आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने निकाली रिक्तियां। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के कुल मिलाकर 54 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, चेस्ट एंड टीबी, ईएनटी, एफएमटी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, स्किन एंड वीडी, न्यूक्लियर मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इमरजेंसी, पीडियाट्रिक सर्जरी, जीआई सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, डेंटिस्ट्री है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमडी या एमएस या एमडीएस, डीएनबी, पीजी डिप्लोमा या प्रासंगिक अनुशासन में समकक्ष और केंद्रीय या फिर राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू की तारीख 27 जून से 29 जून 2022 तक इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं आधिकारिक वेबसाइट www.igims.org पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक हैं। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हमसफर से पहली बार वो चर्चा में आए। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन संदेश टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वो नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। इनका जन्म अप्रैल महीने को महिंद्वार गांव सीतामढ़ी जनपद बिहार के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेला परिहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और सीतामढ़ी के ओरिएंटल मध्य विद्यालय, मथुरा उच्च विद्यालय और राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में हुई थी। बिहार में पहली से आठवीं तक के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। बिहार के लगभग 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे और स्नातक पास करने वाले करीब 20,000 छात्राओं के लिए सरकार ने अब अपना खजाना खोल दिया है। स्नातक पास करने वाली छात्राओं की बड़ी राशि उनके खाते में भेजने का काम हो रहा है। आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों को अब पुस्तक क्रय हेतु राशि 15 जून के बाद उनके खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंगबा शुभा आओ ने 15 जून तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नामांकित 100% बच्चों के डेटा की एंट्री अनिवार्य रूप से करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। 17 जून तक बिहार में नौकरी पाने का मौका। बेरोजगारी के कलंक को लेकर चल रहे बिहार में बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार अब बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने जा रही है। श्रम संसाधन के निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण की विशेष पहल पर प्रदेश के युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए राज्य के नोडल ITI और LNT निर्माण कौशल प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद के समन्वय से 6 जून से शुरू हो चुके और 17 जून तक जारी रहने वाले अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कैंपस सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए अब तक आवश्यक योग्यता फिटर, वेल्डर, मैकेनिक या 10+2 या फिर 10वीं पास रखा गया है। इसके साथ ही आवेदक अब शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। साथ ही ध्यान रहे आवेदकों की आयु सीमा 18 से 30 साल की रखी गई है। पितृपक्ष मेले की शुरू हुई तैयारी। बिहार में साल पितृपक्ष मेले की तैयारी एक बार फिर से तेज हो गई है। 9 से 25 सितंबर तक होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत ही समाहरणालय के सभागार में मेले को लेकर हाल ही में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इसमें ही जिलाधिकारी ने कहा कि बीते 2 साल से कोरोना के कारण पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा था। 2 साल के बाद अब इस मेले के आयोजित होने से इस बार पिंडदानियों के काफी संख्या में आने की उम्मीद जताई गई है। इसको लेकर ही बेहतर सुधार की दिशा में काम करने का निर्देश भी जारी हुआ है। अब बिहार के बड़े इलाकों की बदलेगी तकदीर। बिहार के बड़े इलाकों की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है और इस तस्वीर को बदलने में केला बेहद ही अहम भूमिका निभाने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के केले की खेती करीब 32,000 हेक्टेयर में हो रही है। हर साल लगभग 13 लाख टन केले का उत्पादन हो रहा है। अब यहां केले से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर काम चल रहा है। खबर के अनुसार सर्वाधिक 3400 हेक्टेयर में खेती वैशाली जिले में हो रही है। केले से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन के साथ आर्थिक समृद्धि के नए अवसर गढ़े जा सकते हैं। इसको लेकर अब बिहार में काम भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में अब केले के चिप्स से लेकर के आटा और आचार समेत कई उत्पाद और क्राफ्ट से लेकर कपड़े तक बाजार में उपलब्ध होने वाले हैं। SAT परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी है धरना।
अपनी नौकरी की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहने को तो बिहार में शिक्षक नियोजन का काम जारी है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमे हुए हैं। ये सभी शिक्षक साल 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण हैं। इन सभी शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनके नियोजन का काम नहीं कर रही है और यही कारण भी है कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक 4 सालों में हम लोगों का नियोजन नहीं किया जा रहा, जो कि गलत है। बीते दिन ही इन अभ्यर्थियों ने अपना मुंडन भी करवाया था। बारिश के लिए अभी करना होगा और ज्यादा इंतजार। बिहार में गर्मी की मार का लोग सामना कर रहे हैं, इसी बीच अब बिहार में बारिश का इंतजार बढ़ने लगा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें जरूर चल रही थी कि बिहार में बारिश का असर जल्द ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आईएमडी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व उत्तर बिहार के पास सिलीगुड़ी में मानसून सक्रिय है। पिछले 4 दिनों में सिलीगुड़ी के आसपास इलाकों में मानसून ठिठका हुआ है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार बिहार आने में मानसून को थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। इससे पहले केरल में समय से पहले ही मानसून की दस्तक से बिहार में भी इसके समय से पहले आने के आसार थे। अब देश भर के किसान होंगे मालामाल। केंद्र सरकार ने बीते दिन किसानों को मालामाल करने का काम किया है, जिसके तहत ही सरकार ने साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर अब कैबिनेट ने साल 2022-23 के लिए धान के एमएसपी को 100 रुपए बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल भी कर दिया है। पहले धान का रेट 1,940 रुपए था। वहीं धान के साथ ही मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली और कपास सहित 14 फसलों के एमएसपी में एक साथ बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके तहत ही अरहर दाल की एमएसपी 6,600 रुपए प्रति क्विंटल इस बार तय की गई। तिल के दाम में 523 रुपए, मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए, सूरजमुखी पर 358 रुपए, मूंगफली पर 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सारी जानकारी भी साझा कर दी है। बिहार में अब यहाँ पर भी होगी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी। उत्तर बिहार के ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे राज्यों का मोहताज नहीं रहना होगा, क्योंकि अब उत्तर बिहार के लोगों के पास बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच में जाने का विकल्प होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में स्थित एसकेएमसीएच में न्यूरोसर्जरी शुरू की जाएगी। इस बात को दावे के साथ इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया गया है। एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहेब झा ने भी इस बात की जानकारी दी है, साथ ही बताया है कि न्यूरोसर्जरी के लिए सभी जरूरी सामान और उपकरणों की खरीद जल्द की जाएगी। ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया गया है और वार्ड भी बना दिया गया है। वार्ड में मरीजों के लिए बेड भी लगा दिए गए हैं। एनएचएआई ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम हुआ दर्ज। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट में लगातार काम करके 75 किलोमीटर बिटुमिनस लेन बनाने का कारनामा किया है, जिसके कारण ही अब इसका नाम गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसकी जानकारी बीते दिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो जारी करके दी है। साथ ही इस उपलब्धि के बारे में बताया है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए 720 मजदूरों और स्वतंत्र सलाहकारों के एक दल ने लगातार काम किया है। याद हो, बिहार के पटना में गांधी सेतु के एक लेन का शुभारंभ करने के दौरान कहा था कि वो सड़क के क्षेत्र में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब गिनीज रिकॉर्ड बनने पर उनका ये कथन एक स्तर तक सही साबित हुआ है। आरआरबी परीक्षा के लिए इस दिन तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे की परीक्षा को लेकर और छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 10 से 18 जून तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार छात्रों को परेशानी ना हो, इसके लिए ही पटना से हावड़ा और आगरा कैंट और समस्तीपुर कोलकाता के मध्य परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि आरआरबी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना से आगरा कैंट और हावड़ा तक समस्तीपुर और कोलकाता के मध्य परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का बिहार में हुआ उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा बीते दिन केंद्रीय सरकार
स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर राज्य के कई बड़े नेता सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है और ये आम जनता तक अब आसानी से पहुंच पाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं और अब संरचना में आमूल परिवर्तन और सुधार हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा आम लोगों के लिए सुगम और उचित दाम पर उपलब्ध कराई गई है। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने बीते दिन साफ कर दिया है कि वो अब आगामी एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारने वाली है, जिसे यकीनन राजद और जदयू को तो काफी राहत मिलेगी। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और बताया है कि इस बार कांग्रेस एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों को नहीं उतारने वाली है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजों में कांग्रेस नहीं जाएगी। कांग्रेस के पास अभी बहुमत नहीं है, उसने वोट नहीं है, तो फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी। भाजपा के मुरीद हुए प्रशांत किशोर। भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करने वाले प्रशांत किशोर बीते दिन भाजपा के ही मुरीद नजर आए, जिसके तहत उन्होंने भाजपा के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि समाज में जाति धर्म के नाम पर आग फैलाने वाले लोगों के साथ ही से निपटना चाहिए। हालांकि इस दौरान पीके ने नुपुर शर्मा या फिर किसी अन्य का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार यही मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का इशारा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करते हुए दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया था। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर के लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। इस स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन 34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। पटना के बेउर जेल में रेड। बीते दिन जेल प्रशासन ने सुबह सुबह पटना के बेउर जेल में छापेमारी की। ये छापेमारी जेल प्रशासन को गोदावरी खंड 2/14 में बंद अपराधी भवानी तिवारी के पास से इसी में एक मोबाइल भी मिला, जिसके बाद ही जेल में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। जिसके बाद आनंद फन में जेल प्रशासन ने भवानी तिवारी को जेल के सेल में बंद कर दिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बेउर जेल के कैदी कदम कुआं चूड़ी बाजार के रहने वाले भवानी तिवारी ने जेल में एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी। तब जेल प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो वो बुधवार को जेल में छापेमारी शुरू करते देखे गए। कलेक्ट्रेट से अब हर किसी को लगाना होगा बायोमेट्रिक हाजिरी। पटना कलेक्ट्रेट में अब नई बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाई जाएगी। इसके लिए 6 जगहों पर मशीन लगा दी गई है, यानी कि अब डीएम से चपरासी तक बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने वाले हैं। इससे पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर में 2 जगहों पर मशीन लगाई गई थी, लेकिन इस बार गृह विभाग विशेष द्वारा सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया जाना है। जिन स्थलों पर मशीन लगाई गई है उसमें निर्वाचन कार्यालय के पास 1, लिफ्ट के पास 2, हिंदी भवन की दूसरी बिल्डिंग में सीढ़ी के पास 2 और मुख्य बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर 1 बायोमेट्रिक लगाई गई है। लालू यादव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बीते दिन झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी हुई, जहां पर ही उनको बरी कर दिया गया है। पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अब उन पर 6,000 का जुर्माना भी लगाया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि मामला 2009 का है। चुनाव प्रचार के दौरान अब पायलट ने हेलीकॉप्टर तय जगह से अलग लैंड करवाया था, उसी को लेकर अब आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर थे। लालू यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह की माने तो मामले का निपटारा कर दिया गया है और वो अब आरोपों से मुक्त है, उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है।
जदयू ने टाला एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन। इन दिनों बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। बिहार विधान परिषद के लिए 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं। वहीं राजद की तरफ से भी 3 उम्मीदवारों के नाम का नॉमिनेशन हो चुका है। जदयू ने नॉमिनेशन के लिए कल की तारीख तो तय की थी, लेकिन विलंब के कारण जदयू को अपना नॉमिनेशन टालना पड़ गया, जिसके बाद ही एनडीए के 4 एमएलसी उम्मीदवार अंतिम दिन 9 जून यानी कि आज नॉमिनेशन करेंगे। बिहार सरकार ने लॉन्च किया टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जो कि बीते दिन की गई। इसके बाद ही अब सरकार को उम्मीद है कि उनके इस कदम से बिहार में न सिर्फ निवेशकों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश का काम भी होगा। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम नीतीश ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की भी खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहले मैं भी देश के कई राज्यों में निवेशकों को लुभाने के लिए जाता था, लेकिन वो तब नहीं आते थे, मगर अब इसमें काफी बदलाव हो गया है। निवेशक अब बिहार का रुख करने लगे हैं, इसका क्रेडिट शाहनवाज हुसैन को भी मिलना चाहिए। वहीं बिहार में हुए इस नए पहल से सीएम नीतीश को भी उम्मीद है कि बिहार का उद्योग बहुत ही अच्छा होने वाला है। मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र पर लगाए आरोप। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,500 करोड़ की राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। मंत्री जी के अनुसार ये राशि पहले किश्त की है और इसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के काम में शिथिलता आ रही है। श्रवण कुमार की माने तो बिहार से विभाग के अधिकारी लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और केंद्र सरकार की तरफ से अब एक सप्ताह में राशि देने का आश्वासन भी दिया गया है। मिताली राज ने लिया संन्यास। भारतीय महिला टीम की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान बीते दिन कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिताली पिछले 23 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी। अब बीते दिन 39 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। मिताली ने 2 दशक से लंबे चले अपने क्रिकेट करियर में पूरी तरह राज किया। वो भारत में महिला क्रिकेट की पहचान है। मिताली राज का रिटायरमेंट लेना महिला क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ी घटना है। उन्होंने एक बयान जारी कर फैंस को अपने इस फैसले की जानकारी दी, जिसको लेकर मिताली ने लिखा कि इतने सालों से आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं अपनी दूसरी पारी के लिए आपका आशीर्वाद और सपोर्ट चाहूंगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दादर के बलूची प्रमुख जीवन खान ने 1659 में धोखे से मुगल शहजादे दारा शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 2008 में 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को 2008 में तंबाकू मुक्त घोषित किया। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म 1949 में हुआ। भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म 1975 में हुआ। भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर का जन्म 1985 में आज के दिन हुआ। भारतीय सेना नायक बंदा सिंह बहादुर का निधन 1716 में आज के दिन हुआ। आदिवासी नेता और लोकनायक बिरसा मुंडा का निधन 1900 में आज के दिन हुआ था। पेमेंट के लिए यूपीआई से जोड़ सकेंगे क्रेडिट कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दे दी है और अब इस आम लोगों के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अब आप यूपीआई की मदद से क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनकर पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई की इस नई सुविधा से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही यूजर्स को पेमेंट का नया विकल्प भी मिलने वाला है, जिसके बाद ही अब आप शॉपिंग से लेकर पैसे ट्रांसफर करने तक का काम क्रेडिट कार्ड से जोड़कर कर सकते हैं। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि गूगल पे जैसे कुछ पेमेंट्स ऐप पर पहले से ही क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से ऐड करने का विकल्प मिलता है। आपके अनुसार बिहार में सरकारी स्कूलों की दशा पहले से ठीक हुई है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।